हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अगले वीडियो में हाइड्रोकार्बन का पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग इस वीडियो में हाइड्रोकार्बन का पार्ट सेकेंड डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है एल्कीन है? तो पार्ट फर्स्ट था हमारा एल्कीन, और ये हमारा पार्ट सेकेंड क्या है? एल्कीन है। तो एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन क्या होता है? तो एल्कीन जो होता है ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। एल्कीन जो होता है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, और ये डबली बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होता है। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n इसका जनरल फार्मूला होता है। इफ़ n इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला? C2H5। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एथीन बोलते हैं। इफ़ n इक्वल थ्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रोप वन ईन हो जाएगा। इफ़ n इक्वल फोर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? C4H8। इसको हम लोग ब्यूट टू ईन या ब्यूट वन ईन भी लिख सकते हैं। और फोर्थ, इसमें फोर्थ क्या है? एल्कीन तो पोजीशन आइसोमेरिज्म एज वेल एज जियोमेट्रिकल, जो एल्कीन होते हैं ये जो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। तो चलिए इसके हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं एल्कीन के। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है? फ्रॉम एल्कीन से, ये एल्कीन से कैसे बनाया जाता है? एथीन की रिएक्शन जो है, एथीन की रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे कराएंगे तो हमारा एथीन बनता है, प्लस वाटर निकलता है हाई टेम्परेचर पे कराने से। और इसको ये C2H6 है, तो मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH3। इसको हम लोग ऐसे भी CH3CH3 भी लिख सकते हैं। और फ्रॉम एल्काइन से कैसे बनाया जाता है? बाई पार्शियल हाइड्रोलिसिस, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। तो एसिटिलीन के रिएक्शन H2 के साथ Ni के प्रेजेंस में कराने से हमारा एथीन बनता है। एंड फिर इसके रिएक्शन H2Ni के साथ कराने पर भी प्रोप वन इन बनता है। और थर्ड क्या है? ये इसका जो नाम है प्रोप वन आइन है। ये CH3C CCH का नाम क्या है? प्रोप वन आइन होता है ये। इसकी रिएक्शन H2Ni के साथ कराएंगे तो हमारा प्रोप वन ईन बनेगा। और नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम हेलो एल्केन में एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन जो है एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो हमारा एथीन बनेगा, प्लस वाटर। इसमें होता क्या है, ये जो हमारा K होता है, ये हमारा K प्लस और KOH माइनस में, ये जो हमारा होता है ये हमारा K प्लस और ये OH माइनस में डिकम्पोजिट होता है, और ये हमारा Br माइनस होता है, और ये हमारा प्लस होता है। तो ये माइनस जो होता है, ये हमारा जो माइनस होता है ये प्लस पे चला जाता है, और ये जो हमारा प्लस होता है वो हमारा माइनस पे चला जाता है, इसलिए ये रिएक्शन एथीन बन जाता है। फिर 2 डिग्री हेलो एल्कीन की रिएक्शन कराएंगे, एल्कीन की रिएक्शन कराएंगे तो एल्कोहलिक KOH के साथ, तो ये भी हमारा एल्कीन बना लेता है। एंड नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम एल्कोहल से कैसे बनाते हैं? एथिल एल्कोहल की रिएक्शन जो है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ कराएंगे तो हमारा एथीन बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। और एक चीज़ और, ये अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 में 140 डिग्री टेम्परेचर ले लेंगे तो ये हमारा डाई एथिल ईथर बना लेगा, जो कि हम लोग ईथर में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन एल्कीन्स पाई इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। एल्कीन में जो होता है, क्योंकि कोई भी डबल बॉन्ड में जो होता है एक पाई इलेक्ट्रॉन और एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो एल्कीन में जो होता है पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है एल्कीन से। और ये जो एल्कीन ये जो होता है अक्सर ये एडिशनल रिएक्शन देता है, ऑलवेज टाइम शो करता है एल्कीन। और तो हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एडिशन जो रिएक्शंस हैं। तो फर्स्ट क्या है? एडिशन ऑफ H2 में क्या होता है? एथीन की रिएक्शन जो है हम H2 निकिल के साथ कराते हैं तो हमारा एथीन बनता है। और नेक्स्ट क्या है, इसमें नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हैलोजन। एथीन की रिएक्शन Br2 के साथ CCl4 के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बनता है? ये हमारा बन जाता है और हमारा नेक्स्ट क्या है? एडिशन ऑफ HX
हैलाइड्स। तो हैलाइड्स में क्या होता है, एथीन की रिएक्शन हैलाइड्स के साथ कराते हैं, तो हमारा पहले तो इसमें वन डिग्री हैलाइड बनता है, और फिर उसके बाद जब इसकी एथीन की रिएक्शन कराते हैं, फिर प्रोप वन इन की रिएक्शन जो एच एक्स के साथ कराते हैं, तो हमारा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनता है। और ये जो ई किसके लिए, बस ये एच एक्स की जगह, एक्स की जगह बस हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले सकते हैं, फ्लोरीन हम लोग नहीं ले सकते। और ये जो होता है हमारा, ये हमारा मार्कोनी काफ रूल को प्रेजेंट करता है। अच्छा, मार्कोनी काफ रूल होता क्या है? मार्कोनी काफ रूल ये होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी होगी वहीं पे हमारा जो ये हैलाइड होता है वहीं पे जाके हमारा रिएक्शन करता है, वहीं पे जाके अटैक करता है। जो हमारा हैलाइड होगा वहीं पे जाके रिएक्शन अटैक करता है जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी होगी। तो ये हमारा, इसकी रिएक्शन HBr के साथ करा देंगे तो हमारा बन जाएगा 3 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड, टर्शियरी बन जाता है। फिर एक इसमें वो एक इसमें होता है परऑक्साइड इफेक्ट। परऑक्साइड इफेक्ट आर खरास इफेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है कि इसमें भी एल्किन की रिएक्शन HBr परऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमारा एल्किल ब्रोमाइड बन जाता है, एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो फिर इसमें ये क्या होता है, एंटी मार्कोनी का रूल होता है। इसमें ये होता है कि ये जहाँ पे हाइड्रोजन अधिक होगा वहीं पे ये जाके Br अटैक करता है, ये एंटी मार्कोनी का रूल होता है। तो मार्कोनी का रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटी मार्कोनी का रूल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड नेक्स्ट क्या है, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर में क्या होता है, एथीन की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो हमारा एथिनॉल बन जाएगा। फिर प्रूफ वन इन की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल बन जाता है। फिर एडिशन ऑफ एल्केन। एल्केन जो होता है ऑक्सीडेशन एजेंट, ढेर सारे ये एल्केन से जब रिएक्शन कराते हैं हम लोग एल्किन से, तो ये ढेर सारे ऑक्सीडेशन एजेंट्स देता है। तो फिर इसमें क्या होता है, इन प्रेजेंट ऑफ डाइल्यूट KMnO4, जब हम लोग KMnO4 के साथ कराते हैं इसकी रिएक्शन, एथीन की रिएक्शन, तो हमारा क्या बन जाता है, एथिल ग्लाइकॉल बन जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीडेशन विथ ओजोन। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब एल्डिहाइड में जब हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे ये बहुत ही यूज़ होता है, और वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन विद ओजोन के साथ कराएंगे तो एथीन की रिएक्शन O3 ओजोन के साथ कराएंगे, सीसीएल कार्बन टेट्राफ्लोराइड के साथ कराएंगे तो फिर हमारा ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। फिर जब हम इसको कंपोजिट करते हैं तो फिर इसकी रिएक्शन जिंक वाटर के साथ करा देंगे तो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा 2 मोल, और परऑक्साइड बन जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और हमारा नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीडेशन विद सिल्वर ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन विद सिल्वर ऑक्साइड में क्या होता है, सिल्वर एथीन की रिएक्शन जब हम लोग सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमारा एथिलीन इपॉक्साइड बन जाता है, और 2 मोल मरकरी बाहर निकल जाता है। और जब आइसोमेराइजेशन इसका कराते हैं, इसका आइसोमेराइजेशन जब AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये भी हमारा एल्कीन देता है, ब्यूट वनिन। इसका नाम क्या है, ब्यूट वनिन के साथ जब हम इसकी रिएक्शन AlCl3 HCl के साथ कराते हैं तो ये हमारा देता है ब्यूट टू इन देता है। आई होप मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।